तो दोस्तों, मैं हूँ आपका हौसला, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो होंडा एक्सब्लेड BS6 की हम बात करते हैं। तो देखते हैं इस बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कंफर्मली होंगे ही, 99% चांसेस तो है यही चीज़ें होंगी। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको 162 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो ये निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 14 BHP की पावर निकाल के देगा, और वहीं पे जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 14.5 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। टायर साइज़ की अगर बात करें तो फ्रंट का तो इसका सेम टायर रहने वाला है, लेकिन रियर का जो टायर है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 70x40 mm का टायर हो सकता है, कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा वाइड इसका टायर हो सकता है, जो कि सही है। वैसे भी पहले भी अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका टायर लगता था, कॉर्नरिंग में भी काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता था ये बाइक। लुक वाइज देखा जाए तो लुक सेम वैसा ही रहने वाला है, साइड प्रोफाइल इसमें चेंज हो जाएगी। एक जो इसके अंदर जो आपको नया अपडेट मिलेगा वो मिलेगा साइड स्टैंड कट ऑफ का आपको फीचर मिल जाएगा, जो कि सही है। ये सेफ्टी के पर्पज़ के हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा है। इस बाइक में लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि रियल में भी डिस्क ब्रेक आ जाए, तो देखो इस पर रियल में भी डिस्क ब्रेक आएगा। और इसमें अब आपको सिंगल चैनल ही ABS मिलेगा, डुअल चैनल ABS नहीं मिलेगा। यहाँ पर डुअल चैनल ABS कर देते तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो जाता, तो शायद होंडा ने ये काम नहीं करा, जो कि सही है, कोई बात नहीं। एक बेस्ट लुक के हिसाब से ये बाइक काफ़ी अच्छी है। मीटर कंसोल में देखा जाए तो मीटर कंसोल इसमें सेम वही रहने वाला है जो पहले आता था, फुली डिजिटल मीटर ही रहने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, बस आपको इसके अंदर एक FI की लाइट मिल जाएगी। रही बात बाइक की जो मतलब माइलेज है, तो माइलेज जो है वो पहले के मुकाबले, पहले भी लोगों को 45 तक का माइलेज मिला है, 50 तक का भी माइलेज मिला है, डिपेंड होता है भाई वो कैसे चला रहे कैसे नहीं चला रहे। तो माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो ये आराम से 50 तक का माइलेज निकाल के दे देगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात इसके अंदर एक चीज़ मुझे होंडा की बाइक में बहुत अच्छी लगती है, वो इसमें भी अच्छी कि एकदम से टॉर्क की बाइक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे को चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।